जिहादी अब्बू लुटता रहा बेटी की अस्मत, जिहादीन अम्मी ने भी मुंह मोड़ा, ये साला बाप है कि कसाई। बाप को गिरफ्तार कर लिया गया। होशियारपुर में 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ऑटो ड्राइवर के साथ भाग गई। कैसा प्रेम है ये सब, 16 साल की लड़की अपने आशिक के साथ भाग गई। सुबह सुबह कई लड़कियां निकलती है रोज, हाँ। पढ़ाई के बहाने बैग लेके निकलती है, फिर किसी के बाइक में चढ़कर फुर से उड़ जाती है। उन्हें ऐश करने दो, पुराना जमाना नहीं है ना। चुप चुप के करना चाहिए ये सब, समझ गए ना। आजकल लड़कियां कुछ ज्यादा ही भाव खड़ी हैं। हमारे देश दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहा है, क्यों? इत्मीनान से हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते ना। क्यों मला? अरे पार्क में जाओ वहाँ भी होंगी, बीच में जाओ वहाँ भी होंगी, सिनेमा थिएटर जाओ वहाँ भी होंगी, शॉपिंग मॉल जाओ वहाँ भी होंगी। हम शांति पाने के लिए दारू के दुकान पे जाते हैं ना, वहाँ भी होंगी। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, जब हम दारू के दुकान पे खड़े होते हैं तो वो मटक मटक के ऐसे करके जाती है, ध्यान बट जाता है ना। क्या बताऊं, कुछ मत बताइए। कलयुग है भाई, आजकल तो खुल्लम खुल्ला चुम्बन देते हैं, कलयुग है। कलियुग को दोष देने से कोई फायदा नहीं है रामू, इनके माँ बाप को सबक सिखाना चाहिए। लो पियो। अरे लड़कियों को क्यों दोष देते हो? लौंडों का भी तो दोष है। जब लौंडे उनको बुलाते हैं तो उनके साथ क्यों जाते हैं, जरा बोलिए। सही कहा, लौंडिया अपने सीमा में रहे तो लौंडे उनका क्या उखाड़ सकते हैं, जरा बोलिए। ये ठीक है, सुबह से शाम तक किसी लौंडे के साथ घूमती रहेगी, जब लोगों को पता चलता है तो केस दायर करती है लौंडों पर, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस। किस लिए तुम लोगों को प्रेम से नफरत है? तुम लोग बजरंगबली के चेले हो? पता है, लड़की के नाम से मुझे एलर्जी है। लड़की के किसी अंग को मैं घूरता भी नहीं। कौन सा अंग? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। ओह बड़ा आया है, इसी नंबर पर फोन करना। ओके। अच्छा यहाँ तुम लोग भाषण दे रहे हो, अगर तुम्हें लड़की मिल गई तो तुम उसे उठा के नहीं ले जाओगे? अगर हो तब ना। तुमको तो जलन हो रही है। जलन ही हो रही है, जो हमें नहीं मिली वो तुम्हें भी हम नहीं लेने देंगे। यहाँ कोई भी प्रेम नहीं करेगा, अगर प्रेम किया तो मैं मार दूंगा कसम से। तुम बोलो यार, क्या बोलते हो? सच कहूँ मैं, सच्चा प्यार करने वाले भी होते हैं दुनिया में, मगर टॉपिक ये नहीं है। चार लौंडो को चुनकर तीन लौंडो से प्यार करके दो लौंडो के साथ घूमेगी, फाइनली किसी और के साथ शादी करके सेटल हो जाएगी। अरे ये चाय है कि गंदी नाली का पानी? अरे नाली का पानी है, अब चाय संडास में जाके पी लो। अब सुनो, बड़ा और चाय के 50 रुपए हो गए। तीन चाय और तीन बड़े के 50 रुपए हो गए क्या? अरे तीन बड़ा और तीन चाय के 30 रुपए हुए हैं। तुम्हारा हिसाब लिखते लिखते मेरी किताब जो खत्म हो गई है, और 20 रुपए लगेंगे नई किताब खरीदने के लिए। आई बात समझ में? यार तुषार आया क्या? तुषार का कुछ पता नहीं, लेकिन सलमा चली गई। अच्छा हुआ तुम मिल गए। कहाँ थे अब तक तुम? कोई पंचोल्टी नहीं है क्या तुम्हें? यार देखो सवेरे 7 बजे आया है ये, ब्रश भी नहीं किया, देख लिया ना। देखा सुपर है ना। तो रूम में जो पुतला है उसके समान लगते हो। सच बता यार, ये पैंट और शर्ट किस दुकान से चुराई तुमने? मैचिंग पैंट भी होनी चाहिए। वो किस लिए? तो हम इसे खेत में छोड़ देते, लोग तोता समझ जाएंगे। अरे किस्मत का धनी हूँ मैं, देखना किस तरह लौंडिया को पटाता हूँ मैं। और लड़की का बाप तुम्हें देख लेगा, उसके बाद गाँव वाले देख लेंगे। तुम लोगों से इसलिए लड़कियाँ नहीं पटती है, चल फट कहीं पे जाके काम कर। अरे पहले तू जा। मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं काम लेने वाला हूँ। वो देखने से ही पता चलता है कि तू काम लेने वाला है। वो सब छोड़ो, ये खा लो। क्या है ये? ये मीठी खीर है, दिखाई नहीं देता, बोंडा है ये, ले यार। मुझे नहीं चाहिए। नहीं तो छोड़ो। ये प्याज है ना, ताजा खाने में मजा आ रहा है। काफी गर्म है ना? गरम नहीं है, ठंडा है। तो मुझे फेंक दो ना। खाना है तो खा लो। ऐसे खा रहा है जैसे 10 दिन का भूखा हो। रुको तुम लोग, तुम्हें सुबह तेल में तली चीजें खाते हैं तो चर्बी बढ़ जाती है। ये बात है तो लड्डू भी खिलाता हूँ, चर्बी और शुगर को भी बढ़ने दो ना। मैं जरा आई लव यू बोल के आता हूँ, अब दुनिया जलने लगेगी। देख बड़ा कमीना है ये, उसको पटा लेगा। यार सुशील आज बात बिगड़ जाएगी, ये सब कुछ बता देगा।
वो दोनों हमारे सामने हाथ में हाथ लेके घूमेंगे और हम देखते रहेंगे। छोड़ो, कुछ नहीं होने वाला है, तुम देखते जाओ। हाय, हेलो, कैसी हो? तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, एक जरूरी बात करनी है मुझे। I'm little busy. आज हमारे कपड़े एकदम मैचिंग है, क्यों है ना? क्या देख रही? अरे रुको, जरूरी बात करनी है। यार ये तुमने क्या किया? उसने जो बोंडा खाया है ना, उसमें छोटा सा बॉम्ब है। अरे बॉम्ब? ये हमेशा बिजी रहती है, कुछ करना पड़ेगा इसका। मुझे कुछ कहना है, अपने दिल की बात तुमसे कहना है। वहां क्या कर रहे हो? मैं इस गाड़ी को ठीक कर रहा था। सुनिए, मुझे कुछ कहना है, इसका अर्थ है लोगों गाड़ी ठीक से चलाओ। हाँ, डैडी, मैं आपकी गाड़ी ले रहा हूं। अरे तुम कहां जा रहे हो? एक जरूरी काम से जाना है। पर कहां? कविता सिनेमा में। कविता के साथ? कौन कविता? कविता के साथ नहीं, कविता सिनेमा थिएटर में जा रहा हूं, उसके साथ फिल्म देखना चाहता हूं, लेकिन माने तब ना। तुम सिनेमा देख के ही घूमो। जाओ जाओ, पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूं। ये कहां से टपक पड़ी? दिल तो पागल है,
दिल दीवाना है। यस। अरे क्या हुआ यार? यार एक लौंडिया यहाँ आ रही है, देखिए क्रिश्चियन लगती है वो, और वो बहुत ही सुंदर है, और फिर उसके सामने तुम दोनों एलेक्स कह के ही पुकार रहे हो मुझे, समझे? फ्लेक्स? फ्लेक्स नहीं, एलेक्स। बस नहीं आई ना एलेक्स? चर्च में प्रेयर खत्म हो गई क्या? नहीं यार, जल्दी खत्म हो जाएगी। ओके ओके ओके। दोपहर की प्रार्थना में जाओगे या शाम की? दोपहर के बाद शाम वाली प्रार्थना में। तुम कन्फेशन के टाइम क्या दोगे? ऑमलेट और मछली। ओ, तुमने जन्मदिन धूमधाम से मनाया कि नहीं? फिर क्या, बहुत ही जोर शोर से हम लोगों ने मनाया, 15 दिन तक मजा किया, और फिर आखिरी दिन में हर साल की तरह बताशा और मोतीचूर के लड्डू दे दिए। हंसी अच्छी लगी मुझे। हाँ खैर, तुम दोनों मेरे साथ चलो, गर्मा गर्म कॉफी पिलाता हूँ मैं तुम्हें। आजा। हैं? अरे आजा, क्या हंस रहा है? इधर आओ। तुम अरे गहरे नाम से मुझे मत बुलाना। वो क्यों? मेरे डैडी मम्मी ने एक अच्छा नाम जो दिया है मुझे। वो क्या नाम है? कॉल मी विल्फ्रेड डिसोजा। मिस्टर सत्यपाल कब से विल्फ्रेड डिसोजा बन गया? अरे ठीक से पकड़ो, नहीं तो पाइप टूट जाएगा। अरे खींचना। अरे मैं कह रहा हूँ जल्दी खींचना और जल्दी चल। इसकी जरूरत नहीं थी यार। क्या? अरे यार ये अगली काम लग रहा है मुझे। अगली? आज दोपहर को कुछ नहीं मिला ना, तब होगा अगली। कोई भी काम करने के लिए मन होना चाहिए। हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे तो क्या खाएंगे, तुम्हारी वो मदद करेगी। ये हमारी किस्मत अच्छी थी कि ये लोग आके हमसे जगह पूछ रहे थे। तुमने कैसे इंतजाम किया? वो सब बता नहीं सकता। हाँ, अगर हमें जगह नहीं मिली होती तो हम छीन के जगह दे देते। अच्छा, ये क्या आइटम है? क्या बोला? अरे पाइप के अंदर क्या आइटम है? सेप्टिक वेस्ट। क्या कहा? सच कहूँ तो गंदा पानी, शौचालय का गंदा पानी। आगे से इसका साथ नहीं दूंगा। हाँ हम रेडी हैं, तुम पैसे भेजो। छी, इसे क्या हो गया यार? सुशील इस तरह हमारा दिमाग मत खराब करो। ये बड़ी बदबू है यार। हाँ बदबू है, इसमें बदबू तो नहीं है। इसमें कहाँ से आएगी बदबू? ये कौन आ रहे? फोटो लेने आ रहे हैं। अरे जल्दी जल्दी। जल्दी नहीं है, मैं यहीं रहूंगा, देख लो। अरे बैठ। यूं बैठूं क्या? अरे चढ़ के बैठ। इस तरह क्या? अबे इधर आना जल्दी। अरे तू गाड़ी निकल। अरे रुक जाओ, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अरे रुक जाओ। रुको, मत रोक, यहाँ गाड़ी मत रोक। रोक ही दिया तो चल के देखते हैं। अरे हट हट। अरे क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ? इसने चिकन का वेस्ट यहाँ डाल दिया। चिकन का वेस्ट यहाँ फेंकते हो? तेरे सर पे रखूं क्या? तुमने क्या गलत काम किया? कौन सा गलत काम? फेंकता है? तुम चिकन खाते हो ना? जब जरूरत पड़े तो खा लूंगा। वेस्ट कहाँ फेंकेगा? वेस्ट कहाँ फेंकना है मैं बताता हूँ। हम तुझे याद रखेंगे। हाय रे, कुछ भी हो तुमने जो किया गलत किया। क्या किया? हमने जो किया उसने भी वही किया, तो हम भी तो गुनहगार हैं यार। देखा लार टपकाते हुए खड़ा है यार। दुनिया का सबसे बड़ा कचरा यही है, इसको कहाँ जाके फेंकूं? अरे कौन है ये छोटे नवाब? बंद सवर के निकला है। भूख नहीं लगी है तुम्हारे लिए? वहाँ मंदिर में खाना जो रखा है। तू मजाक मत उड़ा,
दो जून की रोटी के लिए कितने लोग कष्ट उठा रहे तुम्हें पता है? मंदिर का खाना खाओगे तो पुण्य मिलेगा। सही बोला। और पैसे भी बच जाएगा। ए, चुप कर, तुम्हारे सामने हाथ फैलाए क्या? अरे तीनों हट्टे कट्टे हो, सुनो मेहनत की रोटी खाओ। आज ये साला मरेगा। अरे आना चाय पीते। यहाँ से छी, मेरा कुत्ता भी नहीं पिएगा। कंट्री फेलोस, उस चाय वाले को जरा देखो ना, चार दिनों से नहीं नहाया वो। चाय के ग्लास में रोग के कीटाणु बहुत होंगे। तो तुम क्या खाते हो? बर्गर, पिज्जा, सैंडविच। जहाँ से तुम खाते हो उसका फ्रंट ही देखा है तुमने? फ्रंट पर्सनालिटी और बैक म्युनिसिपैलिटी। ओह, ये सब क्या खाता है तुम्हें पता है? एक सूखी रोटी हाथ में लेकर उसमें थोड़ा सा कैबेज, लहसुन और प्याज, इन सब के टुकड़े टुकड़े करके डाल के और उसके ऊपर एक बदबूदार रोटी डालकर एकदम खा लेते हैं और 500 रुपए खलास। पैसे वालों को चूना लगाने के लिए एक एक आइटम बना के रखे लाए। 6 दिन पहले ही एक होटल को बंद कराया था कुत्ते के गोश्त खिलाने के जुर्म में। हाँ, ये है कि चिकन को जैसे ही मुंह में डाला तो उसमें से अनगिनत कीड़े इधर उधर रेंगने लगे। हर जगह से कीड़े ही निकल रहे थे। चाय और वड़ा खाने वाले लोग आजकल पिज्जा ही खा रहे हैं बिड़ू। ये भी जैक्सन में डाले। हाय, मुझे जरा पानी पीने दो। ये इंडिया का पानी नहीं है, फॉरेन का पानी है।